ये पुराना ब्रिज है, दिस इज द ओल्ड ब्रिज, पूरा जर्जर अवस्था में आप देख। दोस्तों जैसा हमने कल बताया, कल रात हो गई थी, रात का आपने व्यू देखा, अब दिन का व्यू भी आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारे व्यूज दिखाया है यहाँ का। हाँ जी, तो देख सकते हैं हम लोग पम्बन ब्रिज पे आ चुके हैं, जहाँ हम लोग कल रात क्रॉस किए थे, और ये डे का व्यू है, ओशन है, और आप नीचे जो ब्रिज देख रहे हैं, जो खतरनाक कंस्ट्रक्शन चल रहा है नीचे, अगर आपको दिख रहा होगा, ये गडकरी जी इसी का प्रमोशन करते रहते हैं, ये भी बन रहा है, नीचे रेलवे रहेगा और ऊपर मेरे ख्याल से रोड आएगा, ये जो भी इस पर चल रहे हैं फ्लाईओवर, इसका भी एक सर्टेन लाइफ है, तो इस तरह से बनाया जा रहा है कि वहाँ पर रेलवे भी नीचे जाएगी, ट्रेन भी, और उसके ऊपर जो है ये चलेगी, क्या उसको बोलते हैं, गाड़ियाँ आ पाएगी, रोड्स रहेंगे, तो ये नीचे बन रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग रहेगा, सिप वगैरह का ब्रिज ओपन होगा, एक एम्बुलेंस आ रहा भाई साहब, इसको पहले निकालते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए गडकरी जी का जो चल रहा है, देख सकते हैं, ये पुराना ब्रिज है, दिस द ओल्ड ब्रिज, पूरा जर्जर अवस्था में आप देख सकते हैं, इसलिए भी ना ट्रेन को रोक दिया गया, अब नहीं आती, क्योंकि ये पूरा जंग लग गया है, एंड दिस इज अ न्यू वन। मैसमराइजिंग, एक बार ही आपको आना चाहिए, वी आर एट पम्बन ब्रिज, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ लोग पीछे देखिए, पीछे का उस साइड का अलग व्यू है, उधर भी ले आके आपको दिखाता हूँ, उधर शिप्स होते हैं सारे, ये फेरीज होते हैं, फिशर्स मैन का पूरा इलाका है, देखिए तो हंड्रेड्स ऑफ फेरीज आप यहाँ देख सकते हैं, फिशर्स मैन डेक है ये पूरा का पूरा। इधर हो गया पम्बन आइलैंड रामेश्वरम, और यहाँ से हम निकल रहे हैं मेनलैंड की, और वहाँ जाएंगे कन्याकुमारी।